Namo tasmai tamhadevamatma buddhi prakasam mamukshurvai saranamaham prapadde om namo brahma dubhyo brahma vidya sampradaya kartribhyo vaisari siddhyo mahatvyo namo gurubhyo sarva paplavarahata प्रज्ञान नमः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ओम शांति 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 लो सच्चिदानंद भगवान की परम सिद्धि प्रतिपाद अर्चना वंदनी अखिल भारती शोभा मंडल के परमाचार्य आचार्य महामंडेश्वर श्रद्धेय स्वामी दिव्यानंद जी महाराज परम सद्गुरु पूज्य पाद अर्चना वंदनी अखिल भारती शोभा महामंडल के परमाचार्य पूज्य महाराज श्री महामंडेश्वर श्रद्धेय स्वामी दिव्यानंद जी महाराज सभी वंदनी महामंडेश्वर वर्ग एवं वंदनी संत सर भगवत चरण लाग जिज्ञा सज्जनों भक्ति शक्ति कृपा माताओं बहनों कुंभ के पावन अवसर पर बड़े ही सौभाग्य और पावनतम क्षण हम अपने जीवन में इस समय महापुरुषों का पट्टाभिषेक और भंडारा और हमारी जो शुभम परंपरा है जो हमारा मंडल है उसकी आश्रम यात्रा भी निकलेगी। तो देखो हमारी परंपरा तो ये थी कि वास्तव में दो तरह से परमात्मा ब्रह्म को जानने की विधाओं की चर्चा की गई। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, एक तो शास्त्रों के द्वारा पढ़कर और उस परमात्मा को ब्रह्म के बारे में हम जाना करते थे और हमारी जो परंपरा थी वो ब्रह्मनिष्ठा की परंपरा थी। और यही कारण है कि बाल ब्रह्मचारी परम सिद्ध हुए पूज्य पाद स्वामी खंडानंद जी महाराज जंगलों में रहा करते थे, वृक्षों के नीचे रहते थे, कौपीन को धारण करते थे और वहां रह करके निरंतर ही आत्म का चिंतन किया करते थे। जो उपनिषदों का सिद्धांत है जीवो ब्रह्मी बना पड़ा शिवोहम का अर्थ होता मैं शिव तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं विनाशी हूँ। तो उनके साथ एक मंडली चला करती थी, बड़ी भारी मंडलियां चलती थी और वटवृक्षों जंगलों में रह करके निरंतर भजन करते हुए साधना करते हुए वो एक युग मैंने देखा। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है, अब पहले की तरह जंगल नहीं रहे, पहले की तरह वो विरक्त परंपराओं में भी धीरे धीरे अभाव आया। तो ये विचार किया गया कि आश्रमों का संजन किया जाए। यद्यपि महाराज जी की कोई बड़ी रुचि नहीं थी लेकिन उसके बाद हमने देखा हमारे जो परम सिद्ध पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज, परम सिद्ध पूज्यपाद स्वामी दयानंद जी महाराज और उसी परंपरा में सतगुरु परम सिद्ध स्वामी महेशानंद जी महाराज, इन हमारी परंपराओं के जो महापुरुष थे उन्होंने फिर धीरे धीरे कहा कि नहीं आश्रम व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आश्रमों में जो कुंभ आदि लगा करते थे तो संतों को ठहरने की हम लोगों को जगह ही नहीं मिलती, बड़े आश्चर्य की बात। और उसके बाद फिर आश्रमों का सृजन किया गया और निश्चित रूप से आज तो हमारे परम सिद्ध पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और परम सिद्ध पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पावन संकल्प से संपूर्ण भारत में और तीर्थों में हमारे बड़े बड़े आश्रम हैं और बड़े बड़े आश्रमों में महापुरुष रहते हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि इन परंपराओं के साथ हमारे जीवन की जो ब्रह्म निष्ठा है वो भी बनी रहे, क्योंकि श्रोत्रियत्व एक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र में ब्रह्म निष्ठा, परमात्मा को जानने के लिए जो ब्रह्म निष्ठा है वो और ज्यादा उपयोगी है। तो इसलिए संतों के जीवन का मात्र वैभव वास्तव में प्रदर्शन वो नहीं है, संतों के जीवन का एक लक्ष्य उद्देश्य या संपत्ति क्या है कहने लगे ज्ञानम प्रथम भोजनम, सन्यासी की संपत्ति क्या है कहने लगे ज्ञान, सन्यासी की संपत्ति क्या है कहने लगे विवेक। तो विवेक वैराग्य ये वास्तव में सन्यासी की संपत्ति है। और हमें लगता कि हमारे पास पहले तो एक ही चीज थी, सब जंगलों में रहा करते थे और उसके बाद हम सब आश्रमों में परिवर्तित हो गए, तो वही वो आश्रमों के बाद उस परंपरा को भी अक्षुण बनाया जाए, विवेक और वैराग्य की जो परंपरा है, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग में वैराग्य बोधम पुरुषस्य पक्षिवत, उस अध्यात्म यात्रा के लिए वैराग्य और वो
देवता क्या है, पक्षी के पर के दो परों के समान है, तो वो परंपरा बनी रहे। और अभी अभी कहा जा रहा था कि एक विश्वविद्यालय का निर्माण महाराज श्री करना चाहते हैं, उनका संकल्प है, बहुत अच्छी बात है। हमें राष्ट्र सृजन के लिए, गौशालाओं के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए और शिक्षा के लिए, जब आचार्य परंपरा में हम लोग आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वो पावन कर्म कर्तव्य और धर्म बनता है। तो ये परंपराओं का निर्माण होता रहे। समय बहुत कम है इसलिए ज्यादा प्रवचन करते हुए बोलो सच्चिदानंद भगवान की। में हमारे आचार्य जिनकी अध्यक्षता इस कार्यक्रम की जिनकी अध्यक्षता है सोहम पीठ के आचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज का आशीर्वचन आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। तत्पश्चात हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज का जो भी कार्यक्रम होगा आज हमें निर्देश करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धे अनंत श्री भूषित चित्रकूट अखंड पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी दिव्यानंद जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी महामंडलेश्वर महंत श्री महंत एवं विशाल रूप में विराजमान सभी संत महापुरुष माता बहनों बद्धो
कुछ बातें हम बहुत महत्वपूर्ण बताएंगे, आप शांति पूर्वक सुने। सबसे पहले यह समझना चाहिए, किसी भी अखाड़े के एक ही आचार्य होते हैं, अनेकों आचार्य नहीं होते हैं। हमारे इस अखंड अखाड़े के जो आचार्य हैं वो चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं। अखाड़ा एक होता है, पीठ अनेक होती हैं। जैसे अभी प्रभुतानंद जी महाराज सुना रहे थे, सोहम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी, पीठ ऐसे अनेक हो सकती हैं, अखाड़ा एक ही होता है। और अखाड़े के आचार्य भी एक ही हुआ करते हैं, तो हरेक को आचार्य नहीं लगाना चाहिए, आचार्य एक ही हुआ करते हैं। और पीठों के अनेकों आचार्य हो सकते हैं, ये अलग बात है। हमारी जो यह अखंड अखाड़ा है, यह कोई साधारण संगठन नहीं है। पूरब से लेकर के पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, सब जगह यह फैला हुआ है। हमारे इस मंडल के अंदर एक नियम है कि वही महामंडलेश्वर बनाया जाता है जो कम से कम या तो आचार्य हो अथवा शास्त्री हो या किसी डिग्री को प्राप्त हो, अथवा समाज में ऐसा प्रतिभाशाली महापुरुष हो जिसको कि सब स्वीकारते हो, ऐसे ही महापुरुषों को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। आप कहोगे महामंडलेश्वर बनाने की जरूरत क्या है? महामंडलेश्वर वह बनाया जाता है जिसके ऊपर समाज का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, जो स्वयं मर्यादा में चल करके और सबको मर्यादा का उपदेश देता है, प्रेरणा देता है और समाज के कल्याण के लिए अनेकों, मैं तो सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ कि पता नहीं कितने सौ करोड़ रुपए का एक विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प हमारे आचार्य जी ने लिया है, बहुत बहुत बधाइयां उनके लिए। ऐसे ही काम आचार्य और महामंडलेश्वर किया करते हैं। अब तो एक ही मन बना लो, गौओं की सेवा करनी होगी, दीन दुखियों की सेवा करनी होगी और शिक्षा दीक्षा की प्रधानता होगी। हर संत तपस्वी के साथ साथ विद्वान भी होना चाहिए। अनेकों विद्यालय हमारे इस अखाड़े के हैं, उनमें जाकर के ऐसा कोई ना करे कि आज मुड़ दिया और कल को घर चला गया। इतनी मजबूताई होनी चाहिए कि उनको इस योग्य बनाना चाहिए कि समाज का उत्तरदायित्व वो संभाल सके। इसलिए प्रारंभ में ही उनको शिक्षा देनी चाहिए और उसके बाद में फिर उनको संन्यास की तरफ और फिर आगे जो भी पदवी मिलनी चाहे योग्य हो देनी चाहिए, पर शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान होना चाहिए। गौ सेवा होनी चाहिए, गरीब सेवा होनी चाहिए, अनाथ बच्चों को पढ़ाने का भी संकल्प लेना चाहिए। धन एकत्रित करने से कोई लाभ नहीं है। ये जो हिंदुस्तान के एक्टर हैं, इनके पास इतना पैसा हमारे तुम्हारे पास तो कभी हो ही नहीं सकता, परंतु उस पैसे का कोई महत्व नहीं होता है। समाज के कल्याण के लिए जो प्राणी काम करता है संसार में, उसी की कीमत होती है, अर्थात त्याग की ही कीमत हुआ करती है। मुझे एक बार का याद है, तब मैं महात्मा बना ही बना था, नया रंग रूप था, दो चार महीने का, तो यहाँ कुंभ लगा हुआ था। हमारे जो दादा गुरु थे पूज्य अखंडानंद जी महाराज, वो मुंशी के बाग में ठहरा करते थे। सभी कैंपों में जवाहरलाल गए और कहा कि सबके आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए महात्माओं के, ताकि ये पता चल जाए कि हिंदुस्तान में कितने महात्मा हैं। सबने उस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब पूज्य अखंडानंद जी महाराज के पास जवाहरलाल गए,
तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे इसको नकार देते हैं संकल्प को, क्योंकि यह कभी सफल नहीं हो सकता है। जो गुफाओं में बैठे हुए हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड कैसे बना पाओगे आप? इसलिए यह तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। संत का कभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, संत स्वतंत्र होता है, एकांत में रहने वाला होता है, समाज का कल्याण पट्टा जेब में धर करके नहीं चला करता, फिर वो बात कैंसिल ही होगी। अब ठीक है, अब यहाँ इस समय एक ऐसी मांग है कि जिसके पास में आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा उसको तो टिकट ही नहीं मिलेगा, अब तो परंपरा बदल गई। लेकिन सारे प्लान बनने के बाद भी सब कैंपों ने साइन भी करा दिए थे, लेकिन अखंडानंद जी महाराज के कहने मात्र से वह सब प्लान बदल गए। इसको कहते हैं आत्मबल। महापुरुषों के अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए कि हम पीछे ना हटे, आगे ही बढ़ते चले जाएं। तो यह सब का सब हमारे इस अखाड़े के अंदर गुण है। हरेक विद्वान पढ़ा लिखा हमारा मंडलेश्वर होगा, आचार्य। अब तुम समझते हो ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये तो वेदांत आचार्य भी हैं, एमए भी हैं, पीएचडी भी हैं, अब इससे और ज्यादा पढ़ाई का होगा भी क्या? सबके सब पढ़े लिखे होते हैं, अनाड़ी कोई नहीं होता है। तो जिनको मंडलेश्वर बनाया जाता है उनकी बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, सभी महापुरुष, और हम भी अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे और इस संस्था को आगे हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर आशीर्वचन महाराज श्री के द्वारा आप लोगों को प्राप्त हुआ। अब छोटे से समय में हमारा जो ये कार्यक्रम है, जिन महापुरुषों को समय नहीं मिल पाया है उनके चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे यहाँ पर निरालम पीठ आदिशो स्वामी लक्षानंद जी महाराज का भी मैं हृदय से चरण वंदन करता हूँ। और इसी कड़ी में हमारा जो ये कार्यक्रम महामंडलेश्वरों का जो उनको जो विभूषित किया गया है महाराज श्री के उद्बोधन के आशीर्वचन के बाद समापन की ओर जाता है। तत्पश्चात थोड़ा भोजन प्रसाद ग्रहण होगा। इसके बाद अभी शोभा यात्रा की जो विशाल तैयारी है, सभी लोग, सभी संत और सभी हमारे भक्त और सभी हमारे जो महामंडलेश्वर हैं उनकी यथाशक्ति व्यवस्था की गई है। तो प्रसाद ग्रहण करके और फिर शोभा यात्रा की तैयारी करेंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। भाई देखो जयकारा जोर से लगाओगे। ब्रह्मलीन सतगुरु भगवान श्रीमद परमहंस परिप्राजकाचार्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन सतगुरु भगवान विद्यावान स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज की जय। चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन सतगुरु भगवान स्वामी दयानंद जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। चित्रकूट पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की जय। हमारे जो अध्यक्ष कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय। और हमारे यहाँ पर पधारे हुए सभी महामंडलेश्वरों का मैं हार्दिक अपने हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि बड़ा ही अमूल्य समय देकर हम लोगों के यहाँ बीच में पधारे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम देखो भाई एक साइड से हो जाए, हमारे महापुरुषों का आगमन हो रहा है, इसलिए सभी संत वृंद कृपया एक लाइन से भोजन प्रसाद ग्रहण करें और भक्तों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ा सौभाग्य और परम सौभाग्य है कि स्वामी चित्रकूट पीठाधीश्वर श्री दिव्यानंद जी महाराज के पवित्र सानिध्य में आज जो महामंडलेश्वर का जो ये आज विराट कार्यक्रम पदवी विभूषित किया गया, इसमें अनेक विद्वान संत महात्मा महापुरुष पधारे और बड़ा ही निश्चित रूप से भारतीय परंपरा का और भारतीय गरिमा को बढ़ाने वाला ये पर्व और उत्सव रहा। महाकुंभ में पधारे हुए सभी संत महात्माओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत, और साथ में
बड़ी विराटता और बड़ी प्रसन्नताओं का सूत्र है कि भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाला ये कार्यक्रम ऐतिहासिक और कीर्तिमान रहे और स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के आशीर्वचन देश में, प्रदेश में, विदेश में बैठे हुए सब भक्त को मिले और उनके आशीर्वचन से देश और प्रदेश की गरिमा आध्यात्मिक रूप में कीर्तिमान रूप में उभरे और स्वामी दयानंद जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज द्वारा रोपित इस वेद रूपी वृक्ष की परंपरा गति का फूल देश प्रदेश को महकावे और निश्चित रूप से भारतीय परंपरा को बढ़ावे। शिवो हम और बालकृष्ण अग्रवाल बल्लू भैया द्वारा ये जो समष्टिक भंडारा किया गया इससे भारतीय संस्कृति अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि पितरों की पूर्ण स्मृति में निश्चित रूप से भारतीय परंपरा को बढ़ावे और उनके परिवार को सद्भावना सत्कीर्ति मिले और श्रद्धेय स्वामी जी दिव्यानंद जी महाराज के पवित्र इस आयोजन में पधारे हुए संत महात्माओं का सम्मान दृष्टिकोण से स्वागत किया गया। उनका सम्मानीय आशीर्वचन देश प्रदेश की गरिमा को बढ़ावे और त्रिवेणी माँ गंगा और यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पे ये प्रयाग क्षेत्र का महाकुंभ देश की आर्थिक स्थिति को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय विचारों को मजबूत करेगा और भारतीय परंपरा को बढ़ावा देगा और महाराज श्री दिव्यानंद जी महाराज के द्वारा ये जो वर्तमान में शिवोहम मिशन चलाया जा रहा है इस मिशन से देश और विदेश में आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा उपजेगी। ऐसा स्वामी जी का दिव्य संदेश, स्वामी जी का शिवोहम संदेश भारतीय संस्कृति को बढ़ावे और भारतीय परंपरा को बढ़ावे और ये स्वामी जी का दिव्य क्रांति अभियान, सोहम अभियान भारतीय गरिमा को बढ़ाते हुए, गरिमा में कीर्ति को बढ़ाते हुए देश और विदेश में हमेशा ऐसी शिवम पद्धतियों को स्थापित करें और स्वामी जी के द्वारा जो आज विश्वविद्यालय का जो संकल्प लिया गया इस संकल्प में भारतीय संस्कृति को खूब ऊर्जा मिले और आप सब लोग अपनी श्रद्धा रूपी आहुति इसमें अर्पित करते हुए भारतीय परंपरा को बढ़ावें और स्वामी जी का आशीर्वचन लेवें और आज स्वामी जी के पवित्र सानिध्य में ये विराट शोभा यात्रा संगम तट पे जो समाहित रूप में जा रही है इससे भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को खूब आध्यात्मिक संदेश मिलेगा और इस शोभा यात्रा में जो देश विदेश से, प्रदेश से, बाहर से पधारे हुए संत महात्माओं का आशीर्वचन आज सब लोगों को जो इस महाप्रयाग से बाहर भी बैठे हुए हैं, अन्य देशों में, अन्य शहरों में विराजे हुए हैं, सभी लोगों को ये आशीर्वचन इस शोभा यात्रा के माध्यम से, स्वामी जी का दिव्य संदेश दिशा चैनल के माध्यम से प्रत्येक भारतीय परंपरावादी इस संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को इस महाकुंभ प्रयाग से आशीर्वचन मिले और सब हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दिशा चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद है संत महात्माओं का, स्वामी जी का, जो आज देश में विदेश में बैठे हुए सब लोगों को महाकुंभ प्रयाग क्षेत्र से सीधा संपर्क में जोड़ रहे हैं। दिशा चैनल भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक और विश्व का नंबर वन चैनल बने ऐसा महाकुंभ के समस्त संतों का आशीर्वाद। जय श्री श्याम, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। सोहम धुन ध्यावोगे भगतो होगा बेड़ा पार, सोहम धुन ध्यावोगे भगतो होगा बेड़ा पार। शिवोहम प्रेम से गावो गुरु की कृपा पावो, शिवोहम प्रेम से गावो गुरु की कृपा पावो। स्वामी अखंडानंद जी ने राह दिखाई, अंधेरे में ज्ञान की एक ज्योति जगाई। स्वामी अखंडानंद जी ने राह दिखाई, अंधेरे में ज्ञान की एक ज्योति जगाई।
इस ज्योति की जगमग से ही चमक रहा संसार, इस ज्योति की जगमग से ही चमक रहा संसार। शिवो हम प्रेम से गावो, गुरु की कृपा पावो। शिवो हम प्रेम से गावो, गुरु की कृपा पावो। स्वामी सच्चिदानंद जी ने युक्ति बताई, शिवो हम धुन में ही मुक्ति बताई। स्वामी सच्चिदानंद जी ने युक्ति बताई, शिवो हम धुन में ही मुक्ति बताई। उनके अथक प्यास से हुआ है आश्रम का विस्तार, उनके अथक प्यास से हुआ है आश्रम का विस्तार। शिवो हम प्रेम से गावो, गुरु की कृपा पावो। शिवो हम प्रेम से गावो, गुरु की कृपा पावो। मैं बालकृष्ण अग्रवाल बल्लू भैया इंदौर से आया हूँ। मैं स्वामी जी के चरण में नमस्कार करता हूँ। मैं स्वामी जी के सभी आश्रमों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी सेवा में हर वक्त हूँ। मैं हरि किशन शर्मा कलकत्ता से आया हूँ। स्वामी जी के सभी आयोजनों में मैं सम्मिलित होता हूँ और इस आयोजन के अंदर में मुझे सम्मिलित होने में हर तरह का जो है सुख शांति मिली है और ये आयोजन हर तरह से सफल हुआ है। मैं स्वामी जी को सत सत प्रणाम करता हूँ।